अस्सलामुअलैकुम। जैसे आज जो हम काम कर रहे हैं सी शार्प में अंदर, वो लॉगिन वाला है। अक्सर हमें एप्लीकेशन के अंदर ना लॉगिन पेज बनाना पड़ता है, तो वो देखते हैं कैसे करना है। हमने एक लेबल और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉप आउट किए अपने पेज के ऊपर, और एक लेबल हमने जो है वो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड के नाम से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। दो बटन हैं इसमें, और ये लेबल 3 जो है रेड कलर का, जो आपको इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड का मैसेज दे रहा है, इसको हम इनिशियली क्या है हाइड रखेंगे। ये देखें, जैसे ही फॉर्म लोड इवेंट के ऊपर आएंगे ना, ये आपका जो है वो लेबल हाइड हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले क्या हो रहा है, पहले हम इसकी वर्किंग में आपको दिखा देता हूँ कैसे कर रहे हैं काम। कि जैसे ही अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड है एडमिन 1234, ठीक है। लॉगिन जैसे ही करेंगे ये आपको वेलकम टू पेज दे देगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ गलत हो जाती है तो आपको ये लॉगिन होने नहीं देगा। यूज़र नेम गलत है, अगर पासवर्ड गलत हो जाता है, तो दोनों सूटों में ये आपको नज़र लॉगिन होने नहीं देगा। जैसे ही आपका यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो ये लॉगिन होने देगा। इसको हम इनवैलिड के ऊपर क्लियर भी करवा सकते हो, हमारी अपनी मर्जी ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है, ऑटो क्लियर हो जाएगा। वरना यहाँ पे क्लियर का बटन मैंने दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये इसके काम करने का तरीका है जी। अब ये काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे असल मेन चीज़ है लॉगिन वाले बटन के ऊपर कैसे कौन सी क्यूरी लगी हुई है। सबसे पहले हमने वही एसक्यूएल क्लाइंट वाली क्लास इसमें ऐड की, और अपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए, कनेक्शन को पाथ दिया उसको, डेटाबेस का जो नाम है वो हमारी बुक डेटा है, और एक कमांड का बनाया, और यहाँ पर बटन क्लियर बटन के ऊपर हमने जो है दोनों टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर किया, और लेबल 3 को फिर से हाइड करवाया। यहाँ पर हमने अपने फॉर्म 2, ये जहाँ पे वेलकम टू आवर पेज लिखा आ रहा है, फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बनाया जैन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर हमने एक क्यूरी चलाई है सिलेक्ट स्टैरिक की, कि सिलेक्ट स्टैरिक करे आपकी इस टेबल में से, टेबल का नाम है लॉगिन, कि जहाँ पर यूज़र नेम और टेक्स्ट बॉक्स 1 वाला और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स 2 वाला। ये आपके टेक्स्ट बॉक्स 1 है और ये 2 है, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन को ओपन करे, क्यूरी को कनेक्शन कमांड का कनेक्शन के साथ लिंक करे, क्यूरी को लोड करे, उसके अंदर रीडर को जो एग्जीक्यूट रीडर है, रीडर को उसका वैल्यू असाइन करे। अब अगर रीडर को एग्जीक्यूट क्यूरी एग्जीक्यूट रीडर में से वैल्यू मिल जाती है ट्रू की, यानी कि ये क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो रही है बिल्कुल उसके मुताबिक, यानी कि यूज़र नेम भी वही है और पासवर्ड भी वही है जो टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 में कहा गया है, तो इसका मतलब क्यूरी जो रीडर जो है उसको रिएक्ट मिलेगा ट्रू का, तो जैन डॉट शो यानी कि आपके इस फॉर्म को शो कर देगा, क्योंकि जैन जो ऑब्जेक्ट है फॉर्म 2 का है, वरना क्या कर देगा लेबल 3 को शो कर देगा, ठीक है जी। ये सिंपल सा लॉगिन का फॉर्म है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह अगली उसमें देखेंगे मज़ीद क्या होगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।